अगर बाकी जगह हुए तो सब लोग बोलिए सुभान अल्लाह। एक बार दोनों हाथों को उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम, दुख हरम सुख करम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता प्रो दाता मय्य मंगलम, ए कूटी कूटी प्रणाम नत मस्तक शकल पर जाजनम, ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम, हे जन्म तिथि दो दशरथ बिलवलम सुभ मंगलम मंगलम, ए आमना बहु मंगलम मे अलीमा सुधी मंगलम। समझ में आ गया? कुछ लोग इस तरह मुस्कुराए कि लगा कि संस्कृत आसानी से समझते हैं। ए कूटी कूटी प्रणाम नतमस्तक शकल पर जाजनम, ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम, दुख हरम सुख करम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता प्रोदाता मय्य मंगलम। दोनों हाथों को उठा के एक बार जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। अब बताइए कि आप लोग तकरीर सुनने के मूड में हैं? तकरीर सुनना चाहते हैं? सुभान अल्लाह। हमारी आदत है कि तकरीर करने से पहले हमारे जितने भी धार्मिक लोग धर्म इस्लाम के पवित्र सभा में उपस्थित होते हैं, पधारते हैं, सबसे पहले धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कराता हूं ताकि हृदय की सफाई हो जाए और सबका सीना इश्के नबी का मदीना हो जाए। तो मेरे साथ एक बार पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाहा इल्लल्लाह। कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग टुकुड़ टुकुड़ हमको देख रहे हैं। सब लोग पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। इधर वाले इधर से काम चला रहे हैं, जरा जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से इसलिए कहता हूं पढ़ने के लिए कि हिंदुस्तान के स्पेशल पंडित ने, हिंदुस्तान में घर है आप लोगों का, हम हिंदुस्तान से बाहर से आए हैं, ये आपको मालूम होगा। नेपाल में हिंदू धर्म के पवित्र स्थल का नाम जनकपुर है और इंडिया में हिंदू धर्म के पवित्र स्थल का नाम अयोध्या है। सुना है कि नहीं? तो हिंदुस्तान के स्पेशल पंडितों ने कहा कृष्ण अवतार ने अतम प्रीतम बलोतम स्वानम शक्ति मा संग्रम चाकुदारम लाइला हरने पापन इल्ला लम्मा परम पदम जनम वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नामे मोहम्मद अम्मे को वशिष्ठ भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुदाय क्रोति तम 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 सीयस्ते धीराहु चिष्परिकात अकायम सुकर्रम अभरनम अश्नाविरम अपापिदम शोष्वाहा। समझ गए? हमारे हिंदू भाई लोग आए हैं, सुनेंगे तो कहेंगे भजन चालू हो गया है, मतलब सुनेंगे तो मचल जाएंगे, मतलब सुनना चाहते हैं सब लोग। जरा जल्दी में हाथ उठा के बताइए कितने लोग सुनना नहीं चाहते हैं? आप लोग भी आ गए? ये नौजवान सुनने के लिए आया है? यहाँ आ जाओ भाई, आ जाओ। अब देखना चाहता हूं जिसको दम होगा यहां आने का वही ना आएगा। सुभान अल्लाह। सब लोग आ रहे हैं, जरा एक बार सब लोग पेश की बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से दोनों हाथों को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। मैं दुआ करता हूं मौला ताला जिन लोगों ने हाथ उठाया सबको करोड़पति बना दे। करोड़पति की बात सुनकर मन गदगद हो गया। मौलाना ने इतनी भारी दुआ दे दी कि शाम से कोई नहीं दिया था, और हजरत लोग तो आमीन कह रहे हैं। अब दुआ कबूल हो जाएगी, और दुआ कबूल होगी तो बगल वाले का खेत खरीद लेंगे। नहीं, इरादा करो इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस में वलमा की दुआ से, बुजुर्गों की अता से दुआ कबूल हो गई, करोड़पति बन गया तो किसी की जमीन नहीं खरीदेंगे, गरीब की बेटी की शादी कराएंगे। बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद।
बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा मैंने। जल्दी जल्दी आइए, हम किसी को मना नहीं करते, यकीन नहीं है तो आके देख लीजिए, बड़ी अच्छी समाज है आपकी। मैंने पढ़ा लाइला हरने पापन, लाइला कहने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता। क्या खत्म होता है? जोर से बोलिए, क्या खत्म होता है? पाप जानते हैं? बोलिए बोलिए, जानते हैं ना? आप नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? हाँ, आप लोग जानते हैं पाप? बोलिए ना। पंडित जी कहते हैं लाइला हरने पापन, लाइला कहने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। अब इसको बाद में समझाऊंगा दो मिनट के बाद, पहले एक बात बता दूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि जब बंदा है मोमिन एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है। क्या कहता है? हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि जब बंदा है मोमिन एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला 12,000 गुनाह सगीरा मिटा देता है। सुभान अल्लाह, कितना गुनाह मिटा देता है? जोर से बोले, 12,000। और जब कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में 12,000 नेकियां लिख देता है। कितना गुनाह मिटता है? 12,000। कितना सवाब मिलता है? 15,000 क्यों नहीं मिलता है? हाँ, 50,000 क्यों नहीं मिलता? मैंने हजरत बायजीद बुस्तामी की बारगाह में हाथ जोड़ के पूछा, सरकार 12,000 ही गुनाह क्यों मिटता, 12,000 ही सवाब क्यों मिलता? उन्होंने जवाब दिया, इब्राहिम रजा, इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हरूफ है। कितने हरूफ है? कितने अक्षर है? कितने है? कुछ पता नहीं। कितने हरूफ है? ला इलाहा इल्लल्लाह में 12, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में 12। जब बंदा मोमिन ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है अल्लाह ताला 12,000 गुनाहे सगीरा मिटा देता है, और जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसके नामे अमाल में 12,000 नेकियां लिख देता है। प्राप्त हुई जपो नामे मुहम्मदम। पंडित जी ने कहा ला इलाहा हरने पापन, ला इलाहा कहने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता। इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई, ये संसार में बसने वाले मनुष्य अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, स्वर्गीय वासी बनना चाहते हो, बैकुंठ का हकदार बनना चाहते हो, जब जपो नामे मोहम्मदम, मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओगे। तो जन्नत में जाने का इरादा है? थोड़ा जल्दी बोलिए, सब लोग चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर बताइए कितने लोग चाह रहे हैं? आईना है, मुंह देखे हैं? नमाज नहीं पढ़ेंगे जन्नत में जाएंगे? रोजा नहीं रखेंगे जन्नत में जाने का प्लान है? सुनिए, पंडित जी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, हृदय से पाप निकल जाए। बोलिए बोलिए बोलिए, सुभान अल्लाह बोलिए। पाप जानते हैं? जानते हैं कि नहीं? तो करते काय है? हर दम क्यों तैयार हो, हम शेर पढ़ने नहीं आए, एक शेर पढ़ेंगे बस। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहां से जाने के लिए। हर दम क्यों तैयार हो, हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहां से जाने के लिए। साउंड बढ़ाओ भाई। कहां गए हाफिज शकील अख्तर साहब? जैसा उन्होंने कहा उससे कहीं अच्छा मजमा में पा रहा हूँ। पैसा देने में नहीं, सुनने में अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह। एक शेर पढ़ूंगा। रोज़े असल में कॉल किए थे जाके जपेंगे नाम, रोज़े असल में कॉल किए थे जाके जपेंगे नाम, जग संसार में आके बंदे भूल गए सब
سب کام تو پیر پیمبر آئے ہیں, ارے پیر پیمبر آئے ہیں, پیر پیمبر آئے ہیں سمجھانے کے لیے, کچھ تو کرو خیال یہاں سے جانے کے لیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, سرکار کا پیغام. کہاں جانے کے لیے؟ ممبئی, دلی, کہاں؟ قطر. تو بولیے نا کہاں. چچا تیاری ہو رہی ہے نا, پاسپورٹ تو ایسے ہی آپ کا تیار ہے نا, تو وہاں جانے کی تیاری کیجئے, نہ تو وہ مار مارے گا فرشتہ, مزاج ہرا ہو جائے گا. اچھا ایک بات بتائیے, دنیا سے سب لوگ جاتے ہیں, ہندو بھی مسلمان بھی جاتے ہیں کہ نہیں؟ دونوں لوگ مرتے ہیں. بولیے بولیے, مرتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن جانے کے راستے الگ الگ ہیں. نہیں, ہندو بھی مرتے ہیں, مسلمان بھی. کوئی خاک بن جاتا ہے. کیا آپ لوگ افراتفری کر رہے ہیں؟ کون سی بھاشن کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا آپ لوگ بیٹھ جائیے نا, یہ کمیٹی والے لوگ ہیں. کمیٹی والے لوگ ہلا کیوں کرتے ہیں؟ اے بھائی آئیے بیٹھ جائیے, کوئی دقت, آ جائیے بیٹھ جائیے, راستہ خالی کر دیجیے. ہاں ہٹ جائیے, آواز کلیئر آنے. ہاں ہندو بھی مرتے ہیں اور مسلمان بھی, جاتے سب ہیں, جانے کے راستے الگ الگ ہیں. کوئی راک بن جاتا ہے, کوئی خاک بن جاتا ہے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ ہندو جل کر راک ہوا اور مسلموں کے خاک, سونے جیسا دہیا مٹ گئے, رہا نہ کوئی پاس, تو اپنا پرایا روتا ہے. ارے اپنا پرایا روتا ہے, اپنا پرایا روتا ہے, دکھلانے کے لیے کچھ تو کرو خیال یہاں سے جانے کے لیے, ہاں کچھ تو کرو خیال یہاں سے جانے کے لیے. مرنے والا مر جاتا ہے, رونے والا روتا ہے. روتا ہے کہ نہیں؟ ابا کا انتقال ہو گیا بیٹا, ماں مر گئی بیٹے, اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ ایک آدمی کا ابا انتقال ہو گیا, چار مہینہ رو رہا تھا. کتنا مہینہ؟ اس کا دوست بولا, رے ہمارا باپ مر گیا تو ہم 40 دن روئے, تم 4 مہینہ کیوں رو رہے؟ بولا ہم اس لیے نہیں رو رہے ہیں کہ میرا باپ مر گیا ہے, ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ ملک الموت ہمارا گھر دیکھ لیا. تو اب میں چاہتا ہوں کہ تقریر شروع کر دوں. میں کلمہ پڑھایا آپ کو, ایک بار اور پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ, اور زور سے پڑھیے, دیکھیے فضیلت ہم نے بیان کر دی ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. 3-5 بار کلمہ پڑھا. ہم حضرت بایزید بستامی کے قول کے مطابق کہہ رہے ہیں علماء اکرام کی موجودگی میں کہ آپ کا جتنا چھوٹا چھوٹا گناہ تھا وہ معاف ہو گیا ہے. بڑا بڑا گناہ معاف کروانا چاہتے ہیں؟ بولیے نا, بڑا بڑا معاف کروانا چاہتے ہیں؟ گناہ چاہتے ہیں سب لوگ معاف ہو جائے, تو کل سے اسٹارٹ کر دیجئے. نماز کا نام لیتے منہ لٹک گیا, ایسا کہ کوڈرما کے جنگل سے آ رہے ہیں. جنت کی بات آئی تو مسلمان قد قد ہو جاتا ہے کہ دنیا میں جو مل جائے, لیکن ملنے والی نہیں ہے جنت اتنی آسانی سے. بابو تیاری کرو. ہندو دھرم میں 4 کتابیں. کتنی کتابیں؟ 4. آپ نے چترویدی حضرات سے تقریر سنتے رہتے ہیں, ہماری بھی تقریر آپ نیٹ وغیرہ پر سرچ کر کے سن سکتے ہیں. آپ سنتے رہتے ہیں کہ ہندو دھرم میں کتنی کتابیں ہیں؟ 4 کتابیں ہیں. 4 وید ہیں, رگ وید, یتھر وید, یجروید, شام وید, اور 18 پران ہے. 4 وید 18 پران سے ہمارے ہندو بھائیوں کا دھرم چل رہا ہے.
जिसमें से चंद पुराण हमने श्री कृष्णा लाइब्रेरी बनारस में देखा है, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, अजकंड पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, महागीता पुराण, संग्राम पुराण, इन तमाम पुराणों को पढ़िए, जवाब मिलेगा। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदि इंदरम मित्तरम रूरवम कृतवानम अंत आत्मा प्रावेशोति पराशा भूतिम पोष्टे चंदूषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा यदा यदा ही धर्मस्य हे गलर्ति भारत अभिदुथानम धर्मस्य हे मानम सबज्यो में हम जगतम जगत महा। मतलब सुना दे, सुनेंगे ना तो जरा हाथ उठा के बोल दीजिए, या रसूल अल्लाह हमने इतना मंत्र और सूत्र पढ़ दिया कि इसी का तर्जमा करूं तो 2 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि 10 मिनट में सुना दूं। हैं आप लोग, सब लोग बेदार हो जाइए और एक बार तैयार होकर दोनों हाथों को उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। हमारे यहां कितनी किताबें हैं? कितने? 4। आप लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, समझदार हैं, जानते हैं, हैं। और हिंदू भाइयों का कितनी किताबें हैं? कितनी? 4। आपके यहाँ सहायब तो बहुत आए हैं, लेकिन बमशहूर 4 ही किताब है, तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान मजीद। इन चारों किताबों में सबसे अच्छी किताब, सबसे बेहतर किताब, सबसे सुंदर किताब कुरान मजीद है। हिंदू धर्म में से पूछो कि आपके इन चारों किताबों में सबसे ठीक ठाक किताब कौन है, सबसे मोतबर किताब कौन है, तो वो बोलेंगे ऋग्वेद है। मैं बोलूंगा ऋग्वेद, वो बोलेंगे ऋग्वेद, तो आप बोलेंगे हाँ। आप पूछिएगा कि ऋग्वेद से एक मंत्र पढ़िए। अब आइए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हिंदू धर्म की 4 किताबें हैं, चारों वेदों से, चारों वेद से एक एक मंत्र मैं पढ़ने जा रहा हूँ और बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया चलाने वाला एक ही है। हिंदू धर्म की किताब है जिस किताब का नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य सर्व ग्रंथ सत्य सर्व सर्वता सम्मान। ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? यको जगदीश्वरा पूरे जग में, पूरी संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। बोलिए अल्लाह। अब हिंदू भाइयों की किताब क्या कहती है? कोई जगदीश्वरा पूरे जग में, पूरे संसार में फूल शक्ति का मालिक एक ही है। यको जगत गुरु संसार का, पूरी दुनिया का एक ही गुरु है। पूरी दुनिया का गुरु, पूरी दुनिया का गुरु एक ही है। हम गुरु हैं कि नहीं? दुनिया के नहीं, किसी के गुरु होंगे ना भाई? हमारे कोई गुरु है कि नहीं? उनके कोई गुरु है? उनके कोई गुरु है? उनके कोई गुरु है? इनके कोई गुरु है? इनके कोई गुरु है? सबके गुरु है, लेकिन इस संसार में एक ऐसा गुरु है जिसका कोई गुरु ही नहीं है। आप कहेंगे इब्राहिम रजा वो कौन गुरु है? तो अब यहीं ठहर जाइए, हम बताएंगे 2 मिनट के बाद पलट के आ रहे हैं कि वो संसार का कौन गुरु है। हम तो अल्लाह के बारे में बताया। ये कुछ जगदीश्वरा ऋग्वेद से, आइए यथुर्वेद पढ़ते हैं। यथुर्वेद में लिखा हुआ है शशपरिकात अकायम सुकर्रम अबरनम अश्नाविरम अपापिदम सुस्वाहा। पूरी दुनिया का निजाम चलाने वाला, दुनिया बनाने वाला, दुनिया में इंसानों को पैदा करने वाला, सबको पालन पोषण करने वाला, दुनिया को रचना करने वाला, सबको जिंदा रखने वाला, बीमारी करने वाला, अच्छा कर देने वाला, मौत देने वाला, दुनिया मिटा देने वाला एक ही है। ये हिंदू धर्म की किताब कहती है। आइए तीसरी किताब शाम वेद से पूछते हैं। शाम वेद कहती है एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष नरभू नरवीर अकाल मूर्ति। एक ही है जो पूरे संसार का निराकार है। सतनाम उसी का नाम सच्चा है। कर्ता पुरुष वो कादिरे मुतलक है। नरभू किसी से डरता नहीं है। नरवीर वो सबको डराता है। अकाल मूर्ति उसकी कोई फोटो नहीं है, उसकी कोई तस्वीर नहीं है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है। मैंने अपने गांव में पंडित जी से पूछा, पंडित जी अकाल मूर्ति का माना क्या होता है? आपके सामवेद में लिखा हुआ है। तो वो कहते हैं जिसकी तस्वीर ना हो, जिसकी फोटो ना हो, जिसकी कोई मूर्ति ना हो। हमने कहा आपके यहाँ बहुत सारी मूर्ति देखा, हमने कहा आपके यहाँ बहुत सारा फोटो देखा। कहा मौलाना आप जितने मूर्ति देख रहे हैं ये रब के भेजे हुए अवतार है। ये हमारे रब के यानी हमारे 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 खुदा की तरफ से भेजे हुए अवतार हैं।
ये उनके देवता है, ये रब का फोटो नहीं है, ये हमारे गॉड का फोटो नहीं है। हमने कहा वो कैसा है? कहा आप ही तो पढ़ते हैं, ये कम रूपियम बहुत दया कुरुति, उसका एक ही रूप है, दूसरा नहीं है। हमने कहा कैसा है? कहा वो रूप वो आदमी की शक्ल नहीं है, वो रूप किसी जानवर की शक्ल में नहीं है। हमने कहा वो क्या है? कहा वो एक रोशनी है, वो एक प्रकाश है, वो एक लाइट है, वो ही खुदा है, जो प्रकाश हो, जो रोशनी हो, जो एक नूर हो, उसी को हम भी खुदा कहते हैं। वाह वाह, बोलिए 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 बोलिए, नारे रिसालत मसलके आला हजरत। कहा वो एक लाइट है, वो एक नूर है। अब जरा कि ये चौथी किताब से पूछ लेते हैं, फिर आपको बता देते हैं। चौथी किताब उनकी अथर्वेद है, लिखा हुआ है यकम बढ़म द्वितीय निनानास्ते नास्ते किंचन। भैया मैक में बोल रहे हैं, कान में नहीं, घबराइए नहीं, इत्मीनान से सुनिए। यकम बढ़म, ब्रह्मा एक है, द्वितीय निनाना। हिंदू भाइयों की डिक्शनरी में ब्रह्मा का माना खुदा होता है। क्या होता है? खुदा। यकम बड़म ब्रह्मा एक है, द्वितीय निनाना दूसरा नहीं है, निनाना अस्ते नास्ते किंचन, और ना दूसरा हो सकता है। ये हिंदू भाइयों की चारों किताबें बताती है, पूरा दुनिया चलाने वाला एक ही है, पूरी दुनिया का खुदा एक है। ये तो हिंदू भाइयों की किताब कहती है, ये हिंदू भाइयों का अकीदा है, ये उनकी किताब कहती है। लेकिन इसी दुनिया में अमरीका में कोई रहता हो और वो हिंदू धर्म से अलग हो, उससे पूछिए पूरी दुनिया का खुदा कौन है, तो वो कहेगा देयर इज नो गॉड बट गॉड वन विद आउट एंड गॉड इज वन इन द होल वर्ल्ड। उसने कहा पूरी दुनिया का खुदा एक है। हिंदू भाइयों की चारों किताबों को एक तरफ रखा, अंग्रेजी बोलने वाला अमरीका के आदमी से पूछा, उन्होंने कहा एक ही है। अब ये चारों चीजों को पांचों को एक तरफ रखा और हम अपने धार्मिक पुस्तक आकाशीय ग्रंथ कुरान पाक से पूछा, ये कुरान बताओ, ये यजुर्वेद बताती है अल्लाह एक है, ये यजुर्वेद बताती है अल्लाह एक है, ये यजुर्वेद बताती है अल्लाह एक है, हिंदू भाइयों की किताब बताती है अल्लाह एक है, अमेरिका वाला बताता है अल्लाह एक है, जर्मन वाला बताता है अल्लाह एक है, नेपाल वाला बताता है अल्लाह एक है। सबने अपने अपने भाषा में बता, ए कुरान तू अपने भाषा में बता दे अल्लाह क्या है। उसने कहा सुनो सुनो, अरे तमाम भाषाओं को एक तरफ रखो और कुरान के उस सूरत को पढ़ो, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। नारे तकबीर। मजमा से नारा नहीं लग रहा है यार, कहीं कहीं से तकरीर में बीच में नारा लगना चाहिए। कहा जवान उठ जाओ, उठ जाओ, कोई जवान जरा उठ के नारा लगाओ यार, पीछे अधे उठाओ, खड़ा हो, खड़ा हो। वाह वाह, कुल मिला के पता ये चला, पूरा दुनिया चलाने वाला एक। बोलिए 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 बोलिए, और हाथ उठा के एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब आइए एक बात बताता हूँ, हम उसी जगह आते हैं जहाँ गुरु की बात चली थी। पूरी दुनिया का एक ही गुरु है, आप कहेंगे वो गुरु कौन है जो पूरे संसार का उस्ताद हो, पूरी दुनिया का गुरु हो? तो हिंदू भाइयों की किताबों ने कहा एको जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। आइए हम वही चलते, वो संसार का गुरु कौन है? आइए मैं आपको ले चलता हूँ गारे हेरा में, जिब्रील अमीन रब की बारगाह में आए और कहा इकरा या मोहम्मद। क्या कहा? ए बाबू इधर ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान है इधर, तो ध्यान दीजिए, दुबला पतला आदमी है, छोटा आदमी आपके सामने खड़ा है, आप नहीं दीजिए कौन ध्यान देगा। ये को गारे हेरा में जिब्रील अमीन आए और नबी की बारगाह में कहते इकरा या मोहम्मद, पढ़िए ए नबी। मेरे मुस्तफा ने फरमाया मा अना बकारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं। का पढ़िए? का नहीं पढ़ेंगे? का पढ़िए? का नहीं पढ़ेंगे? का पढ़िए? का नहीं? का पढ़िए? का नहीं पढ़ेंगे? जिब्रील अमीन रब की बारगाह में का मौला तेरे हबीब के पास गया था, तेरा हबीब तो पढ़ता ही नहीं है। तो रब ने कहा जिब्रील मेरे नबी पर अपनी आदेश चलाएगा तो हाय 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 हाय,
अपनी हुकूमत चलाएगा तो वो कैसे मानेगा? जरा मेरा नाम लेकर देखो। अल्लाह। अब जिब्रील अमीन आ गए, कहे नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने आपको बनाया, ए नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने जमीन बनाया आसमान बनाया, ए नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने हमको बनाया आपको बनाया, इकरा बिस्मे रब्बिकल लज़ी खलक़, ए महबूब उसके नाम से पढ़िए जिसने कायनात की तख्लीक फरमाई है। वाह वाह वाह। मुस्तफा पढ़ने लगे, मेरे सरकार पढ़ने लगे, मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, सरकार जिब्रील कहते रहे तो आप पढ़ते नहीं, रब का नाम आया तो रुकते नहीं, मामला क्या है? जवाब मिला इब्राहिम रजा, सुनो अगर मैं जिब्रील के कहने से पढ़ लेता तो आने वाले जमाने में 24 नंबरों के पास 24 नंबर पूछते हैं जानते हैं 24 नंबर जानते हैं इसको बोलते हैं, उसका नाम हम रखे हैं चाइनीज मोबाइल। हाँ, उसका नाम क्या रखा? चाइनीज मोबाइल। देखने में बहुत खूबसूरत। कौन? मोबाइल। चाइनीज मोबाइल देखे हैं, देखने में बड़ा खूबसूरत, लेकिन उसके एक घंटे की गारंटी नहीं है, खराब हो जाए डायरेक्ट कचरे में। आपके पूरे लतिहार इलाके में कहीं भी उसका रिपेयरिंग सेंटर है? बोलो है। मैं एक जगह तकरीर कर रहा था, एक लड़का खड़ा हो गया, बोला मौलाना ये हम लोग तो आज तक देवबंदी कहते थे, ये कहते थे, वो आप चाइना मोबाइल काहे कहते हैं? हमने कहा देखने में बड़ा खूबसूरत होता है चाइना मोबाइल, लेकिन एक घंटे गारंटी नहीं है बाबू, खराब हो जाए डायरेक्ट कटर में। काका मतलब? हम बोले ये लोग भी देखने में ठीक लगता है लेकिन अंदर से बड़ा गड़बड़ होता है। काका मतलब? हमने कहा चाइनीज मोबाइल खराब हो जाए तो डायरेक्ट कचरा में डाल दो, ये बदअकीदा गड़बड़ा जाए तो डायरेक्ट जहन्नम में। कहा सुन्नी लोग नहीं गड़बड़ाते? हमने कहा गड़बड़ाते तो है लेकिन इसके रिपेयरिंग सेंटर है। वाह वाह वाह। हमने कहा इसका रिपेयरिंग है सेंटर है। काका मतलब? हमने कहा कि सुन्नियों के अमाल खराब होते हैं लेकिन इसके रिपेयरिंग सेंटर है। उसने कहा कहां है? हमने कहा कछौछा चले जाओ, मखदूमे सिमना का दरबार है। सुन्नियों के रिपेयरिंग सेंटर का नाम बरेली में अहमद रजा का दरबार है, अरे अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन का दरबार है, बगदाद चले जाओ गौसे आजम का दरबार है, मदीना चले जाओ मेरे मुस्तफा का दरबार है। जोर से जरा जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे सरकार ने फरमाया कि अगर मैं जिब्रील के कहने से पढ़ लेता तो आने वाले 24 नंबरों के पास कुछ दलील और बढ़ जाती, और वो यही कहते कि हमारे गुरु हैं तो नबी के भी गुरु जिब्रील है, इसलिए मैंने चुप रह के दुनिया वालों को बता दिया कि मेरा गुरु जिब्रील नहीं है, मेरा उस्ताद तो खालिके कायनात है, और उस खालिके कायनात ने मेरे मुस्तफा को मुअल्लिमे कायनात बना दिया है, संसार का गुरु बना दिया। तवज्जो है, 10 मिनट सुनिएगा, सब लोग तैयार हैं तो जरा हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। हमने खुतबा के बाद पढ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कमेटी वाले इधर आइए, आवाज फंस रही है, चाय पिलाइए। हमारे नकीब हिंदुस्तान का क्या कहना, बहुत अच्छा अंदाज है और इस अंदाज पे पूरे हिंदुस्तान की सयाही कर रहे हैं, हिंदुस्तान के बाहर भी जा रहे हैं। दुआ कीजिए कि और भी ज्यादा दूर जाए। अभी नेपाल वगैरह का दौरा हजरत का हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? नेपाल। हम भी चलेंगे। है तो हमने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के, बोलिए ना, बोलिए मोहम्मद अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के। ये आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, हमारी किताब कह रही है, हमारे ओलवा कहते हैं, लेकिन हमारे जबानी आज हिंदू भाइयों की किताब भी कहेगी मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
और पंडित कालका प्रसाद से पूछो तो पंडित कालका प्रसाद कहते हैं गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले कोई पूछे कालका तू क्या ले तो मैं कहूँ ना लेने नबी को आंखों से। क्या कहा है हिंदू पंडित कहते हैं कि ना लेने नबी को आंखों से लगा ले। तो जब हिंदू पंडित जी मेरे मुस्तफा को इतना अच्छा कह सकते हैं तो हम कितना अच्छा कहेंगे हैं? तो वो इतना अच्छा कहते हैं आई चाइनीज मोबाइल कहता है नबी को पावर नहीं है। अब बताइए पंडित सोमनाथ स्वामी ने कहा मदीने पाक से होकर जो हवा आती है बोलिए 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 मदीने पाक से होकर जो हवा आती है हम मरीजों के लिए बुए शफा लाती है और कैसे हैं ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह कैसे हैं ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह हम तो हिंदू हैं हमें हया आती है। पंडित कालका प्रसाद ने कहा गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले कोई पूछे कालका तू क्या ले तो मैं कहूँ ना लेने नबी को आंखों से लगा ले। जब जब हिंदू पंडित इतना अच्छा बोल सकते हैं तो सुन्नी शायर कैसा बोलेगा। सुन्नी शायर कहता है कि प्यारे मोहम्मद जग वो जियारो अर्श पे चमके नाम हो तो तोरे ही पाऊं के जूता हो प्यारे अमरे शरीर का चाम हो। मुस्लिम शायर कह रहे या रसूलुल्लाह आपके पांव की जूती हो हम गुलामों के जिस्म का चमड़ा हो तोरे ही पांव की जूता हो प्यारे हमरे शरीर का चाम हो। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू होगी मेरे बाद हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब की आमद हो गई है। अभी कमरे में तशरीफ फरमा है स्टेज पे आएंगे खतीबुल हिंद सुल्तान खिताबत हजरत अल्लामा नुमान अख्तर फायकुल जमाली का खिताब आपको समाप्त करनी है। उनसे पहले पीर तरीकत रहबरे राह शरीयत की चेहरे की ज्यारत भी आपको करनी है। तो अब बता रहे हैं 10 मिनट की मेरी गुफ्तगु होगी। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है हिंदू भाइयों की किताब कहती है संबल गौरव मुख्यश्य ब्रह्मनाश्य महात्मा नहे नाता का प्रात्मा अस्ति युगे युगे महा। हिंदू धर्म में देवता है क्या है हमारे हिंदू भाई लोगों से कुछ बताएंगे नकल कुफर कुफर न बाशत किसी का नाम लेने से कोई काफिर नहीं होता आप घबराएंगे नहीं। एक देवता है जिनका नाम है महादेव सुना है कि नहीं बोलिए बोलिए नहीं ए नौजवान भाई सुनो बोलो ना सुना है कि नहीं सुना है कि नहीं याद है कि नहीं एक देवी है जिसका नाम है पार्वती नाम उसका नाम लेने से काफिर नहीं होगा बस उनके जबान से बोलना क्या चाहता हूँ आप तवज्जो करना ये अभी देवी देवताओं का नाम बार बार नहीं लूंगा आप समझते चले जाइएगा इशारे में। ये दोनों लंका में पहुंच रहे हैं कहाँ पहुंच रहे हैं कहाँ लंका कहाँ है अमरीका में बोलिए कहाँ है अच्छा पढ़े लिखे लोग हैं भैया हैं ये दोनों पहुंचे वहां बातें हो रही है बातें क्या हो रही है कि कल युग में आने वाले समय में फ्यूचर टेंस में उस जमाने बातें हो रही है अभी के फ्यूचर नहीं उस वक्त के है कहा कि आने वाले समय में कल युग में नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत सुल्ताने खिताबत सुल्ताने खिताबत सुल्ताने खिताबत नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत। देखिए मौका का फायदा मत उठाइए देखिए मैंने कह रहा था कि आने वाले हैं लेकिन आ गए हैं। ये खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा नुमान अख्तर साहब फायकुल जमाली तशरीफ ला चुके हैं कसम खुदा की आप इनकी तकरीर सुनेंगे ना अश अश करेंगे सुने भी होंगे हैं पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी नेपाल वगैरह में कई जलसे इन्होंने पढ़ा और हिंदुस्तान में तो खैर जवाब ही नहीं है
ہندوستان میں جب خطیبوں کی لسٹ بنتی ہے بڑے خطبہ کی حضرت کا بھی نام آتا ہے. آپ بالکل مطمئن رہے, بس 10 سے 15 منٹ میری گفتگو. کہاں جا رہے ہیں لوگ؟ کرسی چھوڑ کے بیٹھ جائیے, اطمینان سے. اور سب لوگ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے ایک بار بولیے یا رسول اللہ. اگر ہاتھ ٹھیک ہے تو اٹھائیے, ہاتھ میں کوئی گڑبڑی ہے ہمیں کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے. ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور لہرا کے بولے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. بس سنانے جا رہا ہوں, محمد اللہ کے رسول ہیں. میں نے پہلے کہہ دیا ہے میرے زبانی ہندو بھائیوں, کتاب بھی بولے گی محمد اللہ کے رسول ہے. اور آپ کو یہ اچھا لگتا ہے سننے میں, اور وہی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں. جو نہیں سمجھتے اس میں بڑا دل لگتا ہے, آپ توجہ کرنا. یہ دونوں پوچھے کہ محمد اللہ کے رسول ہے, آنے والے زمانے میں, فیوچر ٹینس میں, مستقبل میں, اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب میرے مصطفیٰ دنیا میں بظاہر تشریف نہیں لائے ہیں. توجہ کرو, سنو دھیان سے, تاکہ آنے والے زمانے کی کچھ بات بتاؤ تو ان کے دیوی دیوتا آپس میں بات کر رہے ہیں. جس تذکرہ کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے, سمبل کرو مکھیشہ برہمناشہ مہاتما نہ ناتا کا پراتما آستی یوگے مہا کا کل یوگ میں اس سنسار میں ایک بچہ جنم لینے والا ہے, ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے. جو بچہ پیدا ہو جائے گا تو سنسار کا کایا پلٹ جائے گا. اس گاؤں کا کیا نام ہے؟ دھنکارا. میں آپ کو بولوں کہ دھنکارا میں کوئی ایک آدمی آنے والا ہے جس کے آنے سے گاؤں کی سوسائٹی بدل جائے گی, گاؤں کا ماحول بدل جائے گا. آپ بولیے گا مولانا وہ آدمی کون ہوگا؟ کہیے گا کہ کہیے گا. تو اس نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا جس کے پیدا ہونے سے سنسار کا کایا پلٹ جائے گا. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جب میرے مصطفیٰ دنیا میں آ گئے تو سنسار کا نظام بدل گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا وہ بچہ کیسا ہوگا؟ پلٹ کے اس نے پوچھا کہ وہ بچہ کیسا ہوگا. کہا اس بچہ کا نام کیا ہوگا؟ کہا اس بچہ کا نام بتا دوں؟ کہا بتائیے. کہا اس بچہ کا نام ہوگا او تارم محمدم, یعنی سندیش لانے والا محمد. بولیے سبحان اللہ. کہا اس بچہ کا نام ہوگا سندیش لانے والا محمد. اب ہندو بھائیوں کتابوں میں اسی نبی کو کل کی اوتار کہا گیا ہے, انتم مہارشی کہا گیا ہے, ایشور کا کل اپنا کہا گیا ہے, سنسار کا داتا کہا گیا ہے. ہم انہی کو اپنا آقا کہتے ہیں. اب ذرا کرو کہ وہ بچہ آئے گا تو سنسار کا کایا پلٹ جائے گا. کہا اس بچہ کا نام کیا ہوگا؟ کہا بچہ کا نام ہوگا اوتارم محمدم. کہا وہ بچہ کیسا ہوگا؟ توجہ ہے, توجہ ہے. میرے مصطفیٰ کیسے ہیں بتا سکتے ہیں؟ کسی نے کہا, جب کسی نے کسی سے پوچھا کہ نبی کیسے ہیں, کسی نے کہہ دیا ہندوستان میں کہ نبی چاند کی طرح ہے, تو شاید اجمل سلطان پوری نے ہی اس کا جواب دیا ہے. اجمل سلطان پوری کا شاید وہ شعر ہے کہ چاند سے تسبیح دینا یہ بھی کیا انصاف ہے, ارے چاند میں تو داغ ہے ان کا چہرہ صاف ہے. کہا وہ بچہ کیسا ہوگا؟ کاتی اتیم سکتی سوہانم جگ جگ تو جنی کرت محمدم اوتارم. کہا اس دنیا میں پیدا ہونے والا کل کی اوتار انتم مہارشی بن کے جو دنیا میں آئے گا, اس کی خوبصورتی سندرتا کا کوئی جواب نہیں ہوگا, اس کی سندرتا کا کوئی جواب نہیں ہوگا. وہ بڑے ہی خوبصورت ہوں گے. میرے مصطفیٰ کے جیسا کوئی چیز نہیں ہے, میرے مصطفیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہے, میرے مصطفیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہے. تب تو بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. ذرا زور سے بولیے, اور زور سے, اور زور سے بولیے. کہو بچہ کیسا ہوگا؟ ہم نے سنسکرت میں سنا دیا. کہو بچہ کا نام کیا ہوگا؟ ہم نے سنسکرت میں سنا دیا. اب میں نے جو لائن سے سنسکرت پڑھی نا اسی کو توڑ کے سمجھانا چاہتا ہوں, توجہ کرنا. کہو اس بچہ کا نام تو کہا کل کی اوتار ہوگا. کہو اس کے پتا کا کیا نام ہوگا؟ بتائیے میرے سرکار کے ابو کا کیا نام ہے بتا سکتے ہیں؟ ہو گیا کام ختم ہے. ایک جگہ ہم تقریر کر رہے تھے بہار میں ادھر دلسنگ سرائے کی طرف, اسی طرح تقریر ہو رہی تھی, ایک آدمی سے پوچھا کہ سرکار کہاں پیدا ہوئے بتاؤ, تو ایک لڑکا بولا کہ ہم بول دیں. ہم بولے بولو. کہا بولے. ہم بولے بولو. تو کہا اجمیر شریف میں.
ہم بولے چپ رہو بس بیٹھ جاؤ آرام سے سنو آپ لوگوں کا بھی کچھ حال ویسا ہی ہے. ہم نے پوچھا نبی کے ابو کا نام بتائے, بس چپ چاپ دیکھ رہے. لیکن ہندو دھرم کے دیوی دیوتا بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں؟ اس نے پوچھا اس بچہ کا نام کیا ہے, کہا کلکی اوتار ہے, کہا اس کے پتا کا نام کیا ہے. اب دیکھو ان کی زبانی, ان کی کتاب میں, ان کی کتاب میں کیا لکھا ہے, کہا ان کے پتا کا نام ہوگا وشنو یش. اب دیکھیے ہندو دھرم کی ڈکشنری لائیے ان کی ڈکشنری میں, ہماری ڈکشنری میں نہیں. ان کی ڈکشنری وشنو کا معنی خدا ہوتا ہے اور یش کا معنی بھگت ہوتا ہے, پرست ہوتا ہے, بندہ ہوتا ہے. کہا اس کے پتا کا نام وشنو یش ہے. میں نے کہا وشنو یش کا معنی کیا ہے؟ کہا وشنو کا معنی خدا اور یش کا معنی بھگت, پرست, بندہ. وشنو یش خدا کا بندہ. ہم نے پوچھا نقیب اہل سنت حضرت مولانا جمال صاحب سے نبی کے ابو کا نام بتائیے. انہوں نے کہا عبداللہ, حضرت عبداللہ. میں نے کہا مانا کیجئے, تو انہوں نے کہا اللہ کا بندہ. ان کی کتاب نے کہا خدا کا بندہ, ان کی ہماری کتاب نے کہا اللہ کا بندہ. اب ذرا قربان جاؤ, مچلتے جاؤ, نبی کی عظمت پہ قربان جاؤ. اسی دیوی دیوتا میں آپس میں باتیں ہو رہی ہے. کلکی اوتار کے ماں کا نام بتا دیجئے, اس کے ماتا کا کیا نام ہوگا, اس کی ماں کا نام کیا ہوگا. کہا ماں کا نام ہے سومتی. سومت یہ سنسکرت ہے, اس کی ہندی ہوتی ہے شانتی اور اردو ہے امن, اور آمنا یہ امن ہی سے بنا ہوا ہے. تو آپ کہاں پیدا ہوگا, توجہ کرنا, توجہ. میرے مصطفیٰ کہاں پیدا ہوئے بتاؤ, سرکار کہاں پیدا ہوئے؟ دیکھیے بچہ بولا مکہ شریف میں. کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ شریف میں. اس نے پوچھا کہ جس کا نام کل کی اوتار ہوگا, جس کے پتا کا نام خدا کا بندہ ہوگا, جس کے ماں کا نام آمنا اور شانتی ہوگا, اب بتائیے وہ بچہ کہاں جنم لے گا. کہا سنبھل گرو مکھ یش ہے, اس کے پیدا ہونے کی مکھ جگہ سنبھل گرام ہوگی, سالمل درپ ہوگی. اور سالمل درپ سنسکرت ہے, اس کی عربی جزیرت العرب ہے. کا جزیرت العرب میں, کا جزیرت العرب میں, کا کہاں, کا سنبھل گرام میں. سنبھل گرام کا معنی ہوتا ہے, سنبھل کا معنی شانتی والا, اور گرام کا معنی ہوتا ہے گاؤں. کیا ہوتا ہے؟ گرام مانے گاؤں, سنبھل گرام شانتی والا گاؤں. آپ نے کہا مکہ, ہم نے کہا شانتی والا گاؤں. اب آپ بولو مکہ, ہم بولے شانتی والا گاؤں. اب یہ کیسے ہوگا پکا, کہاں سے بات آئے گی؟ میں نے نقیب اہل سنت سے پوچھا, اے نقیب اہل سنت بتائیے نا, یہ بول رہے ہیں مکہ, میں بول رہا ہوں سنبھل گرام, اس کا معنی ہے شانتی والا گاؤں. نقیب اہل سنت نے کہا ابراہیم رضا, جسے تو سنبھل گرام کہتا ہے, مکہ کہتا ہے, اسی مکہ کو قرآن نے بلد الامین کا خطاب دیا ہے. ہم نے کہا مانا کر دیجئے. انہوں نے کہا امن والا شہر, بلد الامین, امن والا شہر. ہندو بھائیوں کی کتاب نے کہا سنبھل گرام, اس کا معنی ہو گیا شانتی والا گاؤں. آپ کی قرآن پوتر پستک اکاشی گرنتھ قرآن پاک نے بلد الامین کہا. میں نے جب اس کا معنی کیا امن والا شہر ہو گیا. اب ایک طرف ہندو دھرم کی کتاب رکھو اور دوسری طرف دھرم اسلام کی اکاشی پستک, دھارمک پستک, پوتر پستک, قرآن مجید کو رکھو, دونوں طرف دونوں کتابوں کو رکھو اور مکہ کی عظمت کا پتہ لگا لو. ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ, اور زور سے بولیے, اور زور سے سبحان اللہ, سبحان اللہ. کاشن دوشم مہا, بس میری تقریر ختم ہو رہی ہے, گھبرائے نہیں, دو سے تین منٹ میں ختم کر دوں گا. گھبرا رہے ہیں کیا؟ گھبرا رہے ہیں آپ؟ گھبرائیے چاہے نہیں گھبرائیے, ہم تو ختم کر ہی دیں گے. توجہ کرنا, بس دو تین بات سنا دو, بس تین سے چار منٹ لگیں گے. کہا کہ سنبھل گر, کہا کہ بچہ کہاں آئے گا, آپ نے سن لیا. کہا کب پیدا ہوگا؟ اے کتنی اچھی باتیں ہو رہی, سرکار کب پیدا ہوئے بولیے, کب پیدا ہوئے؟ اچھا نہیں معلوم ہے. آپ لوگ جانتے ہیں نا کہ 12 ربیع الاول کو جھنڈا لگایا جاتا ہے, جانتے ہیں نہیں؟ کب پیدا ہوئے؟ صبح میں, بھور میں. بھور جانتے ہیں ہمارے یہاں اس کو بھور بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ بھور. اور ہندو بھائیوں کتاب نے کہا شندوشم مہا, برتم مہا, مدیم مہا, جس سمے کلکی اوتار انتم مہارشی برجمان ہوگا وہ سمے مہان ہوگا. اب ایمانداری سے بتاؤ, 24 گھنٹہ میں کون سا گھنٹہ ٹھیک لگتا ہے آپ کو؟ بس بول بولو بولیے, نہیں بولیے گا چلے جائیے. آپ کے جھارکھنڈ کی راجدھانی ہے کہاں؟ رانچی.
रांची के सबसे सुपर डॉक्टर हो उससे मिलिए और बोलिए डॉक्टर साहेब 24 घंटा में कौन सा घंटा ठीक है बता दीजिए। तो वो बोलेगा भोरे भोरे। क्या बोलेगा? भोरे भोरे। वहां से मन न भरे तो दिल्ली चले जाइए एम्स के डॉक्टर से मिलिए डॉक्टर साहेब कौन सा घंटा ठीक है 24 घंटा में। वो भी बोलेंगे भोरे भोरे। आप बोलिए काहे काहे भोरे भोरे काहे है। तो वो बोलेगा कि जिसको लकवा मार दे भोरे भोरे चले। कब चले? जिसको गैस पकड़ ले भोरे भोरे चले पैदल। जिसको डायबिटीज हो जाए तो चप्पल निकाल के भोरे भोरे चले। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? आज जिसको पुलिस बनना हो कब दौड़े? डीएसपी बनना हो एसपी बनना हो अगर कोई 12 बजे दौड़े तो बोलेगा पगला गया है। आज 10 बजे दौड़े बोलिए खिसक गया है। भोर में दौड़े तो आप बोलिए अकलमंद जा रहा है पढ़ा लिखा जा रहा है। ये किसका दिन है? रांची के डॉक्टर का या दिल्ली के डॉक्टर का? इब्राहिम रजा को कहने दो ना तो दिल्ली के डॉक्टर का दिन है ना तो रांची के डॉक्टर का दिन है। तमाम डॉक्टरों के डॉक्टर मोहम्मद रसूलुल्लाह का दिन है के सुबह सादिक में पैदा होके लाखों बीमारियों का इलाज। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत सरकार की आमद दिलदार की आमद। सुभान अल्लाह। प्रथम महा सुखम महा बहुत सारे मंत्र और सूत्र सूत्र के माने हमारे यहाँ आपके उधार रह गए है। दूसरी मुलाकात होगी मुकम्मल बात करूंगा इंशाल्लाह है। जो कुछ मैंने सुनाया है कहीं से लज्जिशें खामी गलतियां हो तो अल्लाह इसे माफ फरमाए। और सब लोग पढ़ लीजिए मेरे साथ अस्तगफिरुल्लाह जोर से पढ़िए। फरिश्ते आके लिख रहे हैं कौन तौबा कर रहा है लिख देंगे फरिश्ते लिख के चले जाएंगे मुकद्दर चमक जाएगा। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बी वतूबु इलैह ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।